हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मोनिकास के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर कोफ्ता बॉल्स, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी होते हैं। आओ देखते हैं ये सिंपल सी रेसिपी कैसे बनाई जाती है। ये मैंने लगभग 200 ग्राम पनीर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मैंने बीन्स, गाजर और शिमला मिर्च लिया है, जिनको मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके एक डो रेडी करूँगी। ये डो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, हाथों में हल्का सा ऑयल लगाऊँगी और इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाऊँगी। ये देखिए, इसी तरीके से मैं सारे बॉल्स रेडी करूँगी। हमारे बॉल्स ये बनके रेडी हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम गरम किया है। अब मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है और अब मैं इसमें बॉल्स ऐड करती जाऊँगी और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। आपको लग रहा होगा मेरी कढ़ाई थोड़ी काली है, वो इसलिए क्योंकि मैं जो भी फ्राई का काम करती हूँ मैं हमेशा इसी कढ़ाई का यूज़ करती हूँ। ये देखिए, हमारी बॉल्स बनके रेडी हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। मैंने 1 प्याज, टमाटर और 10 से 12 काजू, लहसुन और अदरक लिया है। मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाले हैं। इसमें ऐड करूंगी मैं लहसुन, अदरक और काजू। इनको मैं सॉटे करूंगी 1 से 2 मिनट तक। अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज, हरी मिर्च और टमाटर। इनको हम 1 से 2 मिनट तक सॉटे करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लौंग और काली मिर्च। ये मैंने आधी टुकड़ी जायफल का यूज़ किया है तोड़ के। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी गिलास पानी का और इसे ढक के सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। ये देखिए, ये हमारा जो प्याज टमाटर है वो अच्छे से ठंडा हो गया है और सॉफ्ट भी है। अब मैं इसकी प्यूरी बना लूँगी। ये देखिए, प्यूरी बनके रेडी है। गैस में एक कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाले हैं और तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। मीडियम गरम पे ही मैंने आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्यूरी। हल्दी और मिर्च मैंने पहले इसलिए ऐड किया क्योंकि ऐसा करने से इसमें कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, आधी चम्मच धनिया पाउडर। नमक हमें थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि पहले भी हमने नमक डाला हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच से भी कम गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढक के 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने अकॉर्डिंग पानी। आप चाहें अगर ज़्यादा पतली ग्रेवी रखनी हो तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और झटपट बनके रेडी हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए, हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। ये थोड़ा सा ठंडा होने पे ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच मलाई का। आप चाहें तो अमूल क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है। अभी ये ग्रेवी मतलब पतली लग रही है, लेकिन जैसे ये थोड़ी ठंडी होगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी, एकदम थिक हो जाएगी। और जब हमारी ग्रेवी ठंडी होगी, गुनगुनी रहेगी, उसी टाइम पे हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारी ग्रेवी ये गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें कोफ्ता ऐड करेंगे।
अगर गरम गरम ग्रेवी में कोफ्ते ऐड करते हैं तो वो टूट जाते हैं। अब मैं इन्हें चावल अब आप इन्हें चावल, रोटी या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।